चलिए तो फाइनली बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ने वाले एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और काफी बड़ा एरिया है लेकिन हम बहुत ही छोटे बहुत ही कम समय में कोडिंग डिकोडिंग को बहुत बेहतर सिखा देंगे आपको इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है जी डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं यदि कि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को डाई वाई ए, के एन ओ एम लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्कल को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे इस तरह के प्रश्न और चार विकल्प इस तरह से दिए हुए रहते हैं एग्जाम में और मैं आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न मतलब कोडिंग डिकोडिंग से कम से कम क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है चाहे वो रेलवे का हो एस का हो या डिफेंस का हो या अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देस एस सी में पच्चीस क्वेश्चन पूछेगा कोई डाउट नहीं है ग्रुप डी में चल रहा है और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें एक चौथाई भाग रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कोडिंग डिकोडिंग चलिए शुरू करते हैं पहले बेसिक सीखिए आप कोडिंग रिकोडिंग का ठीक है कोडिंग डिकोडिंग चलिए सभी लोग बिल्कुल लाइव रहेंगे लंबे समय तक जब तक हम क्लास को बेहतरीन ढंग से समझा ना दे कोडिंग डिकोडिंग इसको हिंदी में क्या कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण और इसके कुछ कुछ रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपसे बातें भी करेंगे बहुत सारे बच्चे एस एम एस भी कर रहे हैं लेकिन चलिए पहले एक बार मैं रूल एंड रेगुलेशन पे आता हूँ कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण ठीक है आइए बेसिक की बात करें तो पहले आपको इस कोडिंग डिकोडिंग में सीखना है ए टू जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आई डियर स्टूडेंट्स क्लियर है यानी ये ए बी सी डी कहिए सर इतना पढ़ लिख के आए हैं आ, मैट्रिक इंटर कर रखा है ग्रेजुएशन कर रखा है फिर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं सॉरी आप ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं देखिए इसमें क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि ये एक पर ये दो पर ये तीन पर ये चार पर और ये पाँच पर ये छः पर सात पर आठ पर, पर नौ पर दस पर ग्यारह पर बारह पर तेरह पर चौदह पर पंद्रह पर सोलह पर सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस रहिए सर ये अनिवार्य है बिल्कुल अति आवश्यक है अगर आप इसको इग्नोर करते हैं इस चैप्टर को तो बहुत कुछ आप अपने आप को इग्नोर करेंगे तो ये कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है माई डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कि हमें ये याद रखना है ए कितने पर आता है बी कितने पर आएगा सी कितने पर आएगा डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हमें पढ़ना है कि कौन किस पर आएगा जिससे डायरेक्ट पूछे भी कितने पर आएगा आर कितने पर आएगा आर अठारह पड़ेगा यस उन्नीस पे टी ट्वेंटी तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आएगा क्लियर है यहां तक आप क्लियर कर दीजिए एक बार एक बार सभी लोग बोल दीजिए कि सर हम क्लियर हैं बिल्कुल आगे बढ़िए ठीक है चलिए एक बार बोल दीजिए कि सब लोग क्लियर हैं बिल्कुल आगे बढ़े तो ए बी सी डी में हमें ये याद रखना है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है ठीक है बात क्लियर ये बिल्कुल याद रखना है अब देखिएगा कि इसको याद करने का कर ट्रिक कहिए सर इतना याद होगा हो सकता है भूल जाए यम तेरह पे है यन चौदह पे है ओ पंद्रह पर तो ऐसे कंडीशन में एक वर्ड यूज करिएगा और उस वर्ड का नाम है इजोटी कहिएगा सर ये क्या है वट इज दिस आई हैव नो आइडिया आपको पता है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ एक आइडिया आपकी बदल दे दुनिया तो इजोटी एक वर्ड है जिसको हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है अब इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे इजोटी ये पाँच पर आता है दस पर आता है पंद्रह पर आता है बीस पर आता है पच्चीस पर आता है सर इससे तो पांच ही याद हुआ अरे पांच नहीं याद हुआ जब आपको पता है कि ई पांच पर आता है तो ई से पहले डी होता है और ई के बाद होता है तो कितने होंगे एक के जगह तीन से पाँच ती या पंद्रह तो ही खत्म होगा जब हमें पता है कि ई के पहले डी आता है और ई के बाद यफ आता है तो डी चार पर और ये पर हो सकता है या नहीं एम आई राइट यस यान यानी ऐसे कंडीशन में जब इजोटी को हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है तो ये पांच अक्षरों को याद नहीं दिलवाएगा पंद्रह अक्षरों को क्योंकि एक अपने साथ दो और लेकर आ रहा है जैसे जैसे देखिए ई की बात करें तो हमें पता है कि ई के पहले डी होता है तो जब हमें हमारे साथ बोलेंगे इजोटी ई जे ओ टी बाई पांच दस पंद्रह बीस पचीस ई जे ओ टी बाई टी बाई इजोटी पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस जल्दी जल्दी बोलिए तो कौन किसका पर है जी ये पांच इजोटी में जे जे दस पे तो जे से पहले आई जे के यानी नौ और ग्यारह भी हो गया ओ में एन ओ पी एन चौदह ओ पी सोलह ठीक है आ, टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी आर एस उन्नीस टी के बाद यू इक्कीस ठीक है वाई के बाद जेड छब्बीस वाई के बाद पहले एक्स ठीक है तो ऐसे कंडीशन में ये पांच नहीं पंद्रह अल्फाबेट को ये कवर कर रहा है क्या मैं सही कह रहा हूँ यस यनू हाँ ना बोलिएगा बिल्कुल अभी कुछ ही क्षणों में हम आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रखने वाले हैं पहले प्रश्न तो बहुत दूर की बात है पहले मैं बेसिक तो समझा दूं दूं पहले बेसिक तो पढ़ा दूं, फिर प्रश्न की बात करूंगा तो ये इजोटी होने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर अब देखिए अब एक वर्ड हम यूज करते हैं आई नो इसका हिंदी आप बताएंगे हमें आई नो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड आई नो आई नो मतलब मैं जानता हूं आई नो यानी आई जो ऐसे बोलते हैं इसको ऐसे लिखिए आई नो इसका अर्थ क्या हुआ मैं जानता हूं या मैं जानती हूं तो आई नो यानी आई किस नंबर पे होगा अल्फाबेट में ठीक है यस या नो क्लियर है यहाँ पे आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो आई, आई किस पे नो पे आप क्रिकेट खेलते हैं कौन सा क्रिकेट खेलते हैं जी कौन सा मैच अभी चल रहा है टी ट्वेंटी क्रिकेट चल रहा है ज्यादातर फेमस कौन है ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट उसको हम बोलते हैं टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी ठीक है तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई नो का मतलब है कि आई अल्फ़ाबेट में नौवे नंबर पर आएगा टी ट्वेंटी यानी टी अल्फ़ाबेट में बीसवें नंबर पर आएगा अब मान लीजिए किसी बच्चे की बात करें अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम राकेश है तो आप, आप अपने ना, नाम के ऊपर भी याद कर सकते हो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम राकेश है अब आपको राकेश को आर अठारह पे ए एक पे के जे के ग्यारह ई 5, यस उन्नीस और यो हाँ यस एच आर तो आप अपने नाम को भी ऐसे याद रख सकते हैं कि आर में राकेश में आर अठारह पे ए एक पर ग्यारह पर ई e पांच पर यस yes, उन्नीस पर और यच yes, आठ पर ये देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होगी ठीक है तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत मददगार साबित है यहाँ तक समझ चुके हैं यस या नो बोली सभी बच्चे हाँ या नामे तब्दील करिए अपने उत्तर को सब समझ चुके हैं यहाँ तक सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं बिल्कुल चलिए बच्चों क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़े अर्जेंट कॉल था इसके लिए आप इग्नोर करिए इस बात को तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं अब देखिए हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे और वो नया कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ये तो आप सीख चुके हैं अब देखिए ए फिर से कहिएगा सर फिर से क्या सर आप भी कुछ नया बताइए क्या ए बी सी डी डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए हैं समाकलन पढ़ रहे हैं अपकलन पढ़ के आए हैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हैं ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हाई हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के और ये आप यहाँ पर ए बी सी डी आप पढ़ा रहे, है। याद रहे हैं याद रखिएगा जो चीज़ जितना छोटा हो उसकी महत्वता उतनी अधिक होती है ये आप जान रहे हैं ना अब ए बी सी डी में फिर से आइए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल यम यन ओ पी क्यू आर एस T यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये क्या है जी सर ये आ... ओहो अच्छा म्यूट था कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ा सा म्यूट होगा हाँ वॉइस 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 चलिए सर साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं वो टेक्निक वो म्यूट था माइक कोई बात नहीं है बिल्कुल समझदार हैं आप लोग नहीं चलिए फिर से हम लाइव हैं तो ये जो है ये एक दूसरे के विपरीत है भले ही मैं थोड़ा सा मेरा साउंड आ नहीं पाया आपके पास कोई बात नहीं है ए के विपरीत जेड होता है क्योंकि हम ए से यम तक गए और के बाद हम सीधे बै, बैक वापस आ गए तो ए बी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया ये कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही बेहतरीन और यकीन मानिए हाई लेवल कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे अब साउंड जा रहा है ना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है नहीं पता नहीं ध्यान का है हमारा आज एकदम बिल्कुल बीच में एक... Uh, हो जाता है इस तरह से ये बिल्कुल समझ चुके हैं इजोटी समझ चुके हैं ये एक दूसरे के विपरीत अगर आपसे पूछे कि ए के विपरीत क्या होगा जेड बी के विपरीत बाई सी के विपरीत एक्स डी के विपरीत डब्ल्यू ई e के विपरीत बी एफ के यू यू जी का टी एच का एस आई का आर जे का क्यू के का पी एल का ओ यम का यन और याद रखिएगा कि ए बी सी डी कुछ इस तरह से होता है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी ये एक सर्कल होता है एक राउंड होता है अगर कोई पूछे कि ए के बाद सर ए के बाद बी होगा अगर कोई पूछे ए से पहले तो सर ए से पहले जेड होता है सर जेड के बाद तो सर जेड के बाद ए होगा और जेड से पहले तो एक होगा ए के बाद बी होगा तो याद रखिएगा ये जो ए बी सी डी होता है एक सर्कल होता है इस तरह से मतलब जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हो जाता है ठीक है यार अभी तो आवाज आ रही होगी आपकी अब दे रहा है ना आवाज अब तो दे रहा है हाँ तो ये हमारा सर्कल का इश्यू है इस तरह से करना है ये सीख चुके हैं अब देखिएगा अब हम कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं टाइप बाय टाइप नहीं है क्योंकि हम जानबूझकर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए मददगार साबित होगा चलिए कोडिंग-डिकोडिंग पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एफ ओ आर जी ई को एफ पी टी जे आई लिखा जाता है तो कुलप्रीत पी आर आई टी को क्या लिखेंगे कोई बात नहीं आप बनाएं बाकी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बताइए फटाफट उत्तर करिए आप सभी लोगों के स्क्रीन के ऊपर चार विकल्प के साथ जी अब आवाज आ रहा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं चार विकल्प के साथ आपके प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं कह रहा है यदि किसी सांकेतिक देखिए मैं पहले बना देता हूं यफ ओ आर जी ई देखिए इसको क्या कर लिख दिया गया इसको लिख दिया गया है बदल करके यफ पी टी जे आई ये लिख दिया गया है जी ये कन्वर्ट कर दिया गया इसको इस रूप में तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कुलप्रीत सी एल पी आर आई टी चलिए पहले हम देख लेते कि परिवर्तन क्या हुआ यफ से यफ में ही रहने दिया जीरो का परिवर्तन ओ से पी कर दिया है एक का परिवर्तन मतलब प्लस वन की वृद्धि आर से यश ना करके टी कर दिया है प्लस टू जी से यच आई नहीं जे लिख दिया है प्लस थ्री और ई से या जी एच आई देखिए इन सबों के बीच अंतर एक दो तीन चार था तब ना जब बहुत बड़ा बड़ा अंतर रहेगा ना तो फिर परेशानी होगा तब आपको याद करना पड़ेगा कि ई कितने पर है आई कितने पर है पता रहेगा तब ना कि हाँ सर ई पाँच पर होता है और आई नौ पर होता है तो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर फोर ठीक है तो ऐसे कंडीशन में कि पहले जीरो बढ़ाया है फिर एक बढ़ाया है फिर दो बढ़ाया है फिर तीन बढ़ाया है फिर चार बढ़ाया कोई बात नहीं भाई हमें कुलप्रीत के साथ वही करना है पी यू एल पी आर आई टी ये आपका कुलप्रीत है इसके इसमें पहले कुछ नहीं बढ़ाएंगे मतलब सी का सी जीरो बढ़ाएं पहले उसके बाद यू एक बढ़ाएंगे जीरो के बाद A, यू के बाद वी एल के यल में दो बढ़ाएंगे यम नहीं यन ओ के ओ में तीन बढ़ाएंगे पी क्यू नहीं आर ठीक है और देखिए सिंपल है पहले कोई वृद्धि नहीं यू बी यल के बाद यम नहीं यन दो की वृद्धि पी के बाद क्यू पी क्यू आर नहीं सॉरी क्यू आर नहीं यस होगा यहाँ पे क्यू आर नहीं यस हो जाएगा ये ठीक है और पी के बाद क्यू आर नहीं यस लिखें आर के बाद एस टी यू नहीं वी हो जाएगा और आई के बाद यहाँ पर देखिए जीरो बढ़ा एक बढ़ा दो बढ़ा तीन बढ़ा चार बढ़ा यहाँ पाँच बढ़ेगा तो आई जो होता है नौ पर होता है और नौ में पाँच जोड़ेंगे चौदह और चौदह पे कौन होता है जी यम एन यन. यन हो जाएगा आपका चौदह पे अब देखिए टी होता है ट्वेंटी पर और बीस में से छह जोड़ेंगे तो छब्बीस में हो जाएगा जेड ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा जी ये हमारा हो जाएगा जेड देखिए आंसर मिलाइए सी यू ये, ये छे बड़ा सी यू टी वी एन एस बी सी बी एन एस वी एन जेड ये आपका सही उत्तर होना चाहिए सभी का आया है जी बहुत बढ़िया नवल राज ने उत्तर किया है कि सी वी एन वी एन जेड इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इज द राइट आंसर और ये बहुत ही स्पेशल क्लास है बीच में भले ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए पर उतना भी नहीं कि आप मैनेज कर नहीं सकते ठीक है चंद सेकेंड की का प्रॉब्लम आया कि बीच में दो एक मिनट के लिए दो मिनट के लिए माइक ऑफ हो गया फिर कोई बात नहीं चलिए सीख चुके हैं यस या नो बोलिए सभी लोग दीपक पाटिल का कहना है सर क्लास अटक रहा है सच में ऐसा है कि क्लास अटक रहा है सच में ऐसा है कि क्लास अटक रहा है मुझे तो नहीं लग रहा है कि क्लास अटक रहा है भाई फुल्ली लाइव है हम आपके कोर्स में फुल्ली लाइव हैं हम आपके साथ चलिए दूसरे प्रश्न पर हम डिस्कस करें अगर ठीक है तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये कह रहा है कि चलिए बनाना शुरू कर दीजिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यस यू एन देखिए हर प्रश्न अलग अलग टाइप का एक लेवल तक हम लेकर चलेंगे आपको ये बेसिक है ये डेमो क्लास है उसके बाद आप कहिएगा तो हम टाइप बाय टाइप भी बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को चलो बहुत बढ़िया दूसरा सवाल करे सन, यस यू एन तन को लिखा गया है 27। तो आपसे पूछा गया कैट को क्या लिखेंगे जी चलिए देखते टाइम यस कितने पर होता है यस हो गया आर एस उन्नीस पे यू कितने पे यू आर एस टी यू इक्कीस पे एन चौदह पे ठीक है अब बताइए इसको सत्ताईस कैसे लिखा गया होगा बताइएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा गया होगा तो कैट को क्या लिखेंगे सन बताइएगा जल्दी यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को सत्ताईस लिखा गया है हमको लगता है कि जोड़िए इक्कीस उन्नीस और चौदह हाँ देखिए ये जुटकर आ गया चौवन और चौवन में दो से भाग दे दिया गया है सत्ताईस आप भी वही काम कीजिए ना बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सबको जोड़ दीजिए सी आया तीन ये आएगा एक तीन एक चार और टी होता है ट्वेंटी बीस और तीन तेईस एक चौबीस चौबीस बटे दो मेरे हिसाब से तो बारह आना चाहिए ऑप्शन में भी नहीं है बारह जी बारह ही होना चाहिए मेरे हिसाब से उन्नीस चालीस पचास दस चौवन में से सत्ताईस गया हाँ ठीक है कोई बात नहीं इसका आंसर बारह होगा ऑप्शन गलत होगा कोई बात नहीं है परेशान बिल्कुल ना हो आप नहीं नहीं सी कैसे होगा जी हाँ जी ऑप्शन ही गलत है कोई दिक्कत की बात नहीं है उत्तर बारह ही होना चाहिए चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं आइए कोई बात नहीं है सीख रहे हैं ना हम अगर ऑप्शन गलत है उससे हमें मतलब नहीं है हमारा आंसर सही होना चाहिए ठीक है हम जो बना रहे हैं वो सही होना चाहिए देखिए कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में तीन सौ अंठावन का देखिए ये हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है किसी सांकेतिक भाषा में तीन सौ अंठावन का अर्थ है प्लीज़ प्लीज कम चून प्लीज कम सून दो सौ पचहत्तर का अर्थ है यू गो चून और आठ सौ सड़सठ का अर्थ है प्लीज गो देयर सवाल आपसे पूछा गया है कि कम के लिए किस नंबर सिस्टम का किस संख्या का प्रयोग किया देखिए रूल कहता है रीजनिंग का कि एक अल्फाबेट का एक ही वैल्यू हो सकता है मतलब जैसे अगर हम आठ को कम से डिनोट कर रहे हैं तो अगले प्रश्न में भी अगले एक ही प्रश्न में एक ही अल्फ़ाबेट का एक ही वैल्यू हो सकता है ये आपको भी पता है अगर इस तरह का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो अब आपको सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है सर आपको फोकस करना है इस कम के ऊपर इस कम के ऊपर फोकस करना है अब आप देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है कम का आंसर लाने के लिए सर कहेंगे यहाँ सून और यहाँ भी सून कॉमन है तो जब यहाँ पर सून और सून कॉमन है तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा और वो कॉमन है पाँच से पाँच यानी सून किसको डिनोट कर रहा था पाँच को डिनोट कर रहा था चलिए ये तो चला गया अब देखिए कम को लाने के लिए ये प्लीज और प्लीज को हटाना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये आपको कम का आंसर चाहिए सोन तो हट गया प्ली प्लीज़ ही डिस्टर्ब कर रहा है ना तो आप यहाँ प्लीज को टिक लगा दीजिए यहाँ भी प्लीज को टिक लगा दीजिए तो दोनों तरफ प्लीज से प्लीज टिक लग गया तो आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है जब प्लीज राइट साइड में प्लीज और प्लीज कॉमन है तो यहाँ आपको नहीं दिख रहा है कि आठ से आठ कॉमन है तो अब आपको कम चाहिए और कम के लिए सिर्फ बचा कौन है ही बचा पूरा पूरा एविडेंस यानी कम का उत्तर हो जाएगा कि कम के लिए क्या आंसर होगा थ्री इज द राइट आंसर और याद रखिएगा कि रीजनिंग है तख्ता और सख्ती पर नहीं चलेगा जब तक पूरा पूरा एविडेंस नहीं मिल जाए तब तक हम प्रश्नों को का उत्तर सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं ये वाला समझ में आया सभी स्टूडेंट बोलेंगे बिल्कुल हाँ या ना में उत्तर करिए समझ में आया एक हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था ये बहुत बेहतरीन सवाल इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यकीन मानिए कई बार गलतियां कर बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट पर आप इन गलतियों को नहीं कीजिएगा और अभी बेसिक ही चल रहा है ये क्लास ठीक है अभी तो एक बुक सॉल्यूशन भी करवाना बाकी है इस इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में पर कोई बात नहीं है वो आप आप अगर लूसेंट का बुक लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और हम लूसेंट के ही बुक से पढ़ाएंगे दुकान पे जाइए दो तरह की किताबें होगी लूसेंट की एक पतली वाली एक मोटी वाली कहिएगा भैया मोटी वाली किताब दे दो लूसेंट की ढाई या पौने तीन मेरे हिसाब से ढाई तक में हो जाएगा उससे ज़्यादा नहीं लेगा आपसे प्रश्न करें यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्श न यू आर एस ई नर्स को क्या लिखा गया जी क्यू एक्स यू बी एच देखिए समझिए इस चीज को कि कहाँ क्या दिक्कत है फिर टावल का तो अपने आप निकल जाएगा यन होता है चौदह पे ठीक है यन ओ पी क्यू ओ पंद्रह पे पी सोलह पर क्यू सत्रह पर तो ये चौदह से हो गया सत्रह कितने की वृद्धि प्लस थ्री की वृद्धि यू जो है यू आर S T U इक्कीस पे और बाईस पे W एक्स कितने की वृद्धि मेरे हिसाब से फिर से तीन की वृद्धि नहीं यू से टी S T U वी W एक्स तीन की वृद्धि चलिए आर S T U तीन की वृद्धि यस टी यू वी तीन की वृद्धि ई H यानी सिंपल सी बात है तीन का ही वृद्धि करना है ना टावल का निकाल दीजिए भाई ठीक तीन तीन का बढ़ाते चलिए उत्तर कर दिए टी के बाद यू वी डब्लू ओ के बाद पी क्यू आर डब्लू के बाद एक्स वाई जेड ई के बाद यी एच यल के बाद एम एन ओ देखो डब्ल्यू आर जेड डब्ल्यू आर जेड एच ओ डब्लू आर जेड एच ओ सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को मजा आ रहा है बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ यस यो क्लियर है बहुत बढ़िया तो बहुत सारे बच्चे रीजनिंग के लिए बहुत परेशान नंबरिंग के ऊपर मत जाइएगा ये बाई मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में उसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाइए ठीक है नंबरिंग को छोड़िए बस पढ़ते चलिए आप आपका काम है बनाते चलना और आंसर आप नंबरिंग के हिसाब से जैसे दो का बी मारना है तो पहले दो लिखिए फिर बी लिखिए ऐसे उत्तर दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा हमें भी और आपको भी चलिए इतना बना के दिखाइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा उत्तर कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में टीच को टी ई -ए, ए टी एच टीच को लिखा गया है वी जी टी ई जे देखो ई के बाद यू नहीं वी प्लस टू ई के बाद यू नहीं वी प्लस टू ई के बाद नहीं जी प्लस टू ए के बाद बी नहीं सी प्लस टू टी के बाद डी नहीं ई प्लस टू और एच के बाद आई नहीं जे यानी सब तरफ से बस तो ही जोड़ा जा रहा है कोई बात नहीं स्टडी को पूछ रहा है एस टी यू डी वाई यस के बाद टी नहीं यू क्योंकि दो जोड़ना है यस yes, टी के बाद यू नहीं वी टी यू वी हाँ टी के बाद यू नहीं वी यू के बाद वी नहीं डब्लू टी के बाद ई e नहीं वाई के बाद जेड नहीं ए क्योंकि जेड के बाद आपका ए ही होता है यानी यू वी डब्लू F ए यू वी डब्लू F ए अगर कोई बच्चा बी की ओर जा रहा है तो गलत जा रहा है ठीक है यू वी डब्लू F ए अच्छा पी डी एफ भी डाल दें अच्छा रोके मैं अभी आपके WhatsApp पे ये पी डी एफ डलवा देता हूँ थोड़ी देर में थोड़ा टाइम दीजिए बस क्लास लेने दीजिए फिर मैं पीडीएफ डलवा देता हूँ आपके ऊपर टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ टेलीग्राम पे चला जाएगा ठीक है क्लियर है यहाँ तक समझ चुके हैं यस या नो बोलिए ठीक है, है? चलिए ये सब आसान प्रश्न है बीच में सिर्फ एक दो प्रश्न आया था जो लेवल का था बाकी धीरे धीरे देखिए आपको आसान आसान प्रश्न दिखते हुए नहीं शुरू में एक दो प्रश्न जरा लेवल का था जैसे वो ट्वेंटी सेवन वाला आ, दो नंबर वाला क्वेश्चन तीन नंबर वाला भी ठीक था बढ़िया था लेकिन अभी आपकी आपका स्टार्टिंग है तो थोड़ा आपके लिए लगा होगा कि हाँ भाई लेवल का है कुछ कुछ चलिए बनाइए यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को लिखा गया है कुमार के यू एम ए आर कुमार को लिखा गया है जे टी एल जेड क्यू कुमार को लिखा गया जे टी एल जेड क्यू तो शंकर को क्या लिखेंगे यस ए एन के ए आर देखिए के से पहले जे होता है जे के यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस वन yes. यस पी यू यानी टी से पहले यू होता है यानी इस बार क्या हो रहा है ना प्लस वन की जगह माइनस वन यानी पिछला शब्द लिख रहा है टी को के को जे लिखा है यू को टी लिखा, लिखा है यल यम से पहले यल होता है ए से पहले जेड होता है आर से पहले क्यू होता है यानी कुछ नहीं परिवर्तन कर रहा है माइनस वन कर रहा है चलिए कोई बात नहीं यस से पहले क्यू आर ए से पहले जेड एन से पहले यम A के पहले जे और ए के पहले जेड और आर से पहले पी क्यू चलो आर जेड यम जे जेड क्यू आर जेड यम जे जेड क्यू दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिसको मज़ा आ रहा होगा नहीं आज का क्लास करके आप लोगों को भाई कोडिंग डिकोडिंग आज हुआ है काफ़ी टाइम पे बच्चे काफ़ी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जी कि कोडिंग डिकोडिंग सर करवाइए और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा शुरू के तीन प्रश्न को अगर आप इग्नोर कर दें तो अब आपको लग रहा है कि हाँ कुछ बहुत बेहतर सीख रहे हैं आप नहीं तो ये सही चीज़ है आपके लिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें चौथा सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने गति में अपने लेवल में थोड़ा सा जो है हाँ गति लाते हुए यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई एम यू एम बी ए आई मुंबई को लिखा गया है के एस के कितने कितने पे यम तेरा पे कितने पे पे एक। पे और यस पे। क्या हो रहा है देखिए ना आई कितने पे नौ पे जी सात पे एकदम बिल्कुल ए एक कितने पर एक पर और ये बाई पच्चीस यानी पीछे यानी हो क्या रहा है कि सर सब में माइनस टू किया जा रहा है परिवर्तन बस इतना ही हो रहा है कि सब में दो दो घटाया जा रहा है कोई बात नहीं इसमें भी दो दो घटा दीजिए चेन्नई डबल से पहले होता है दो अगर पीछे करे तो सी से पहले बी और बी से पहले ए ए होता है पर ठीक है तो छ वाला खोजिए क्योंकि आठ से पहले ए बी सी डी यफ हो जाएगा आपका ई होता है ई होता है ई आपका होता है पांच पे इससे पहले दो पीछे खोजिए तीन नंबर पर सी यन होता है चौदह पे ठीक है तो आप यम एन यन, यन चौदह पे तो यल यम एन यानी दो पीछे आएंगे तो यल फिर से यल ए के पहले जेड नहीं बाई और आई का देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पर लिखी चुके हैं कि आई नौ पर है तो जी सात पर एफ ए, ए, टी हाँ ये तो पहला ही आंसर हो गया लग रहा है ए एफ सी डब्ल्यू एल वाई जेड बन रहा है समझ में आ रहा है भाई सपना सागर का गलत उत्तर है कैसे कर रहे हैं जी गलत उत्तर मत करिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से सीखिए बारीकी से सीखिए जब तक समझ में नहीं आए तब तक सीखिए लेकिन हाँ एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए ठीक है रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग बता दीजिए सीख पा रहे हैं नहीं आज का क्लास आपके लिए बेटर है या नहीं है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेन टेन टी ई एन टेन को लिखा गया यू जी क्यू ठीक है टेन को यू जी क्यू टी के बाद एस टी टी के बाद यू प्लस वन ई के बाद नहीं जी प्लस टू के बाद ओ नहीं पी नहीं क्यू कुछ नहीं मतलब पहले एक जोड़ना है फिर दो जोड़ना है फिर तीन आर ए टी रेट को बदलना आर के बाद एक जोड़ना यस ए में दो जोड़ना है तो बी नहीं सी और टी में तीन जोड़ना है टी के बाद यू वी नहीं डब्लू यस सी डब्लू ये कुछ नहीं है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी था इतना बहुत बढ़िया अभी तो स्टूडेंट सीख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात बहुत जल्द हम एक दो टारगेट बैच लॉन्च करने वाले हैं जैसे बहुत सारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन बिहार एस का पेपर आने वाला है पाँच हज़ार वैकेंसी है एस एस सी ये तो मैंने यूट्यूब पर बोला है आज हमारा नया स्टूडियो लग रहा है हमारा नया स्टूडियो सेटअप बन रहा है तो आज हमारा सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा जो नया स्टूडियो सेटअप है उम्मीद है कि उस सेटअप पर हम कल से काम करना शुरू कर दें ठीक है तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ठीक है पांच नंबर हो गया तरह यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डी डी वाई टी एट को डी डी बाई सी से डी एक जोड़े ए से ई को डी कर दिए कैट को डी डी वाई ए को बी नहीं सी नहीं डी यानी सीधे समझिए ना कि पहले इसमें एक जोड़े इसमें दो नहीं जोड़े क्योंकि दो जोड़ते तो सी आता तीन जोड़े और टी और वाई यानी पांच जोड़े बहुत ही सिंपल है डॉग में भी पहले एक जोड़ेंगे तो डी से ई होगा ओ में तीन जोड़ेंगे पी क्यू आर और वाई में पांच जोड़ेंगे सॉरी जी में एच आई जे के एल ई आर एल इज द राइट आंसर ऑफ दिस समझ चुके हैं ठीक है चलिए रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्स पी यू आर एस पर्स को लिखा गया है, o -S -O -O पी, पहले ओ आता है। पी में एक घटाए होंगे ठीक है ओ पी पहले ओ आता है फिर पी आता है तो पी को ओ लिखा गया यानी माइनस वन यू को यस लिखा गया पी क्यू आर एस टी यू यानी यू में दो घटाया गया है यू में दो घटाइए यू से पहले टी T e से पहले यस एस टी यू एकदम क्लियर है आर से पहले आर देखिए अठारह पे होता है और ओ होता है पंद्रह पे यानी इसमें तीन घटाया गया यस yes, उन्नीस पे और ओ पंद्रह पे चार घटाया ई e, पांच पे और जेड छब्बीस पे या जीरो पे कह सकते पीछे आइए पाँच में से पाँच गया जीरो बहुत ही सिंपल मेथड है कि सर सब में पहले एक घटाएंगे फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच बस उतना ही करना घटाएंगे में एक घटाएंगे यम यम यल, यल होगा ओ में दो घटाएंगे ओ होता है पंद्रह पे दो घटाएंगे तो तेरा हो जाएगा तेरा पे होता है यम यन में तीन घटाएंगे ठीक है तो यन होता है चौदह चौदह में तीन घटाएंगे ग्यारह ग्यारह में कौन गया इजोटी जे ओ सॉरी ई जे जे के बाद के देखिए अब आ रहा है ना काम तो इसीलिए मैंने बोला था कि वो ए टू जेड आपको रटना होगा ई होता है पाँच पे और अब घटाएंगे चार तो पाँच में से चार गया एक और एक पर होता है ए वाई होता है पच्चीस और पच्चीस में से पाँच घटाएंगे एक दो तीन चार हाँ पच्चीस में से पाँच गया बीस टी ट्वेंटी यल एम A -A -T. तो ये था आज का क्लास हमारा ठीक है सब लोग आज खुश होंगे बस एक बार फीडबैक दे दीजिए कि सभी लोग खुश हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे इस एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ठीक है अच्छा आपके साथ जितने भी दोस्त हैं उन लोगों ने सफलता बैच को ज्वाइन कर लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैच है और बहुत आ, बहुत लेवल पर उस बैच की सेलिंग हो रही है क्योंकि वो बैच इतना बेहतरीन है ना क्योंकि उसमें प्रतिदिन तीस से चालीस बच्चे रेगुलर अपने मन से एडमिशन ले रहे और बिल्कुल चरम सीमा पर है और अभी नया बैच है ना पुराना नहीं है पुराना रहता तो मैं एडवर्टाइज जैसे मक्खन बैच हो गया पुराना मैं उसका एडवर्टाइजमेंट अब नहीं करता हूँ आपने मेरे लेटेस्ट किसी भी एक महीने के लेटेस्ट वीडियो में किसी वीडियो में मक्खन बैच का नाम नहीं क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना है ना हाँ अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड पूरा पढ़ना चाहता है तो वो मक्खन बैच ले लेगा एक साल की वैलिडिटी के साथ ठीक है तो ये बेनिफिट है आपको मक्खन बैच में ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा ओके बाय बाय टेक केयर